हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, थमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये आप देख सकते हैं मुझे, अभी मैं हूँ निवारू रोड, जो लिंक रोड है उससे 300 मीटर अंदर प्रिया विहार कॉलोनी के अंदर। यहाँ मैं अभी एक मकान जो कि 117 वर्ग गज 20x52 साइज का, आप देख सकते हैं ये मकान, आपको विजिट कराने के लिए आया हूँ। इससे पहले आप देख सकते हो ये पूरी कॉलोनी जहाँ पर सीवरेज वगैरह और पानी की सारी व्यवस्था है। ऑल एमिनिटीज हियर अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर्स, 500 मीटर के अंदर आपको सारी एमिनिटीज मिलेंगी, बैंक, मार्केट, स्कूल वगैरह। तो आप देख सकते हो पूरी कॉलोनी भरी हुई है और रेजिडेंशियल एरिया है, रहने लायक जगह है। तो अभी हम चलते हैं इस मकान के लिए। ये आप देख सकते हो सामने एक बार इसका एलिवेशन। अगर बात करूं मैं इस मकान की कुर्सी की, तो आप देख सकते हो ये सामने जो 30 फीट रोड है, ये 30 फीट रोड है। इस रोड से काफ़ी हाइट लेकर ये मकान बनाया हुआ है। और इसी, ये है पोर्च एरिया, पार्किंग एरिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर पानी का टैंक है। और इसी से दो सीढ़ियाँ उठा करके और ऊपर, इतनी आप देख सकते हैं इतनी हाइट दी हुई है मकान को, जो कि आगे फ्यूचर में अगर रोड ऊंचा भी होता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। यह आप देख सकते हैं ये सेमी डुप्लेक्स विला है, जो कि 4 BHK, और अगर फेसिंग की बात करें तो वेस्ट फेसिंग मकान है ये। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं बाहर से इसका जीना है। अभी मैं विजिट कराता हूँ 1x1 स्टेप वाइज आपको अंदर से। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये, जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं डबल पल्ले का ये मकान गेट है। और इसी से जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हॉल, डाइनिंग हॉल, जो कि एल शेप में है, ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है और पंखे लगाए हुए हैं, लाइट फिटिंग की हुई है। और अगर हॉल के मेजरमेंट की बात करें तो 10x14 एल शेप में ये है और बेहतरीन है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर इस जगह हॉल में सोफ़ा सीटिंग का, अगर एल शेप में सोफ़ा लगाते हैं तो इस तरफ आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉश बेसिन दिया हुआ है, जो कि पूरी टाइल्स वगैरह फिटेड है। ऊपर देखते हैं तो फॉल सीलिंग की हुई है और एक वॉल पे रॉयल प्लेमेड डिज़ाइन है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है ये मकान। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है बेडरूम, यह आप देख सकते हैं बेडरूम, एक बेडरूम है जो कि 10x12 साइज का है। ऊपर देख सकते हैं आप फॉल सीलिंग दी हुई है और पंखा वगैरह लगाया हुआ है। यहाँ पर वार्डरोब दी हुई है, गोदरेज अलमारी, जो कि आप देख सकते हो ये। और अगर साइज की बात करें तो 10x12 साइज की ये रूम है और एक वॉल में रॉयल प्ले में दिया हुआ है और ट्यूबलाइट्स वगैरह सब लगाई हुई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है कॉमन बाथरूम, इंडियन टॉयलेट है ये, और इसमें वॉश बेसिन वगैरह सब दिया हुआ है, सैनिटरी फिटिंग है। इसी के साथ में हमने और साइड में आप देख सकते हैं ये एक और दूसरा बेडरूम है, जो कि 12x14 साइज है इसकी, और ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है, पंखा लगाया हुआ है, ट्यूबलाइट दी हुई है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं एक विंडो दिया हुआ है, जो कि कूलर पॉइंट का भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कूलर पॉइंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ एसी फिटिंग दी हुई है, प्रीमियम कलर है, विट्रीफाइड टाइल्स है। और एक आप देख सकते हैं ये वार्डरोब, जो कि अलमीरा, गोदरेज अलमारी बनाई हुई है। और इसी के साथ में अटैच टू गैलरी है ये, और आप देख सकते हैं ये गैलरी 4x10 साइज की है ये। और ऊपर देख सकते हैं आप वेंटिलेशन के लिए डक छोड़ा हुआ है। ये है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम की साइज है 10x12 और रॉयल प्लेमेड डिज़ाइन है, एसी फिटिंग है।
और ऊपर फॉल सीलिंग की हुई है, पंखा लगाया हुआ है, ट्यूबलाइट्स फिटिंग की हुई है, प्रीमियम कलर है, विट्रीफाइड टाइल्स है और इसी के साथ अटैच्ड बाथरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट है और जो टॉयलेट में सिंगल पीस आप देख सकते हैं, ये सीट लगाई हुई है सिंगल पीस और इसी के साथ में यहाँ पर वॉश बेसिन दिया हुआ है और सैनिटरी फिटिंग है। तो ये था 3 BHK और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की किचन जो कि बेहतरीन है और आप देख सकते हैं वेस्ट फेसिंग मकान है ये, जिसके अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये है किचन, बेहतरीन किचन है। किचन देख सकते हैं अगर मेजरमेंट की बात करें तो 10x12 एक रूम साइज जितनी किचन है, बेहतरीन किचन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और पूरे में ये आप देख सकते हैं फर्नीचर वगैरह लगाया हुआ है। ऊपर देख सकते हैं आप 3 बॉक्स दिए हुए हैं और ऊपर पंखा लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देखें तो इसके अंदर लाइट लगाई हुई है और गीजर एंड आरओ के पॉइंट दिए हुए हैं, मिक्सर लगाए हुए हैं, सैनिटरी फिटिंग है। इसी के साथ में सामने की तरफ 2 विंडो दी हुई है जो वेंटिलेशन पे कोई कमी नहीं है और इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह यहाँ पर चिमनी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये था 3 BHK, ये मकान पूरा 4 BHK है। अभी ऊपर चलते हैं हम, ये सेमी डुप्लेक्स है तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये 117 वर्ग गज में है जो कि साइज की बात करें तो 20x52 इसका मेजरमेंट है। 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस है ये और यहाँ पर लोनेबल प्रॉपर्टी है ये, सोसाइटी पट्टे में है ये और अगर कीमत की बात करें तो मात्र 43 लाख रुपए के अंदर ये मकान है और यहाँ पर पानी, सीवरेज सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको छत पे, ये देखिए आप बाहर से जीना है और अभी हम चल रहे हैं। सामने देख सकते हो आप टी फ्रेम दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर रोशनी की कमी नहीं होने देता है, वेस्ट फेसिंग मकान है ये। अभी हम छत पर आ चुके हैं और छत पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाथरूम बनाए हुए हैं, 2 टॉयलेट दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न टॉयलेट है, काफी स्पेसियस है। ये टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है और आप देख सकते हैं वहां पर वॉश बेसिन लगाया हुआ है, सैनिटरी फिटिंग है और इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा ये एक ऊपर किचन, छोटा किचन दिया हुआ है। अगर आप ऊपर की ऊपर ही किसी को रेंट पे देना चाहते हो तो एक छोटा सा किचन दिया हुआ है और इसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर ये आसपास ये एक प्लॉट है जो खाली है, इसके साथ में पूरे मकान वगैरह सारे बने हुए हैं यहाँ पर और इसी के साथ में ऊपर का एक बेडरूम है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पानी के लिए ये आप देख सकते हो ऊपर टंकी रखी हुई है, इसके साथ में ऊपर वहाँ पर और टंकी रखी हुई है। फ्रंट साइड का जो बेडरूम, नीचे बेडरूम था उसी साइज का ये बेडरूम है और 10x12 साइज का ये बेडरूम है। इसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर POP में डिज़ाइन है और पंखा लगा हुआ है, ट्यूबलाइट्स दी हुई है। इसके अलावा एक रॉयल प्ले में ये आप डिज़ाइन एक वॉल पे और इसी के साथ में वार्डरोब दिया हुआ है, अटैच टू बालकनी है ये। यह आप देख सकते हैं बालकनी, बहुत ही शानदार बालकनी है, 4x20 साइज है इसका और आप देख सकते हैं यहाँ AC फिटिंग के लिए रखा हुआ है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये स्टील की रेलिंग है और टफन ग्लास का यूज किया हुआ है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। तो ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अगर प्रॉपर्टी आपको पसंद है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके विजिट के लिए आ सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 43 लाख रुपीज़ है और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक।